The complex between starch and iodine appears blue in color, while there is no such complex formation between cellulose and iodine as the starch because cellulose is unbranched. बिल्कुल सही बात है. एक तो cellulose unbranched है, उसके अंदर ये वाला structure पाया जाता है, 1,4 linkage. Cellulose does not contain complex helices. Yes, उसके अंदर complex helices भी नहीं पाई जाती है. Actually क्या होता है, जब हम बात करते हैं starch की, तो स्टार्च के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है टीचर्स, ये इस तरह, ठीक है ना, ये इस तरह से. यहां पर ये वाला जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं 1,6 लिंकेज, और ये जो लिंकेज आपस में ये करते हैं इसको हम बोलते हैं, यहां पर हम बोलते हैं 1,4 लिंकेज. गॉट इट और नॉट? ठीक है ना. अब यहां पर ये अल्फा स्ट्रक्चर है, और अल्फा ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है कौन, आयोडीन, और ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है. गॉट इट और नॉट? सो इट इज लाइक दिस. तो इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए, सेल्युलोज इज अनब्रांच्ड. सही है ये तो, 30 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर. ठीक है ना, सेल्युलोज जो है वो अनब्रांच्ड भी होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, और उसमें हेलिक्स भी नहीं होते हैं. ऊपर वाला सेल्यूलोस के लिए है, नीचे वाला स्टार्च का स्ट्रक्चर.